आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं, MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण। हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। जब सड़कों पर अपनी जान बचाने, अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के, जो नहीं रहे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ।